हेलो स्टूडेंट्स, आई एम करिश्मा पागानी, योर सोशल साइंस टीचर. वी आर ऑन चैप्टर 2 ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज़ फेडरलिज्म. हाउ एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म, हमने देखा इंडिया एक फेडरल कंट्री है. इंडिया में फेडरलिज्म की प्रोविजंस यूज़ होते हैं, सारे प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है. लेकिन फेडरलिज्म इंडिया में कैसे किया जाता है? फेडरलिज्म मतलब कि पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज़ फेडरलिज्म. और वो पावर शेयर कैसे होता है वो हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दिस आर नॉट सफिशिएंट. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रोविजंस ज़रूरी हैं. बट सिर्फ क्या प्रोविजंस बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हो गया, तो वो लिखे होने से ही हमारा फेडरलिज्म स्टेट सक्सेस हो जाएगा? देखो स्टूडेंट्स, श्रीलंका की बात करें अगर, तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है कि श्रीलंका में रहने वाले जो सिन्हालीज एंड तमिल स्पीकिंग पीपल हैं, उनके रूल्स, उनके प्रोविजंस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हैं, लेकिन क्या फेडरलिज्म सक्सेस रहा है श्रीलंका में? नहीं. बट इंडिया में तो सक्सेस रहा है ना. सो दिस पॉइंट मीन्स दैट सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑल्सो, राइट? इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. अगर इंडिया में फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में लिखे जाने की वजह से. अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस हैं, इनकी वजह से इंडिया एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री. मतलब कि फेडरलिज्म जो है इंडिया में, उसकी रियल सक्सेस किसके बेसिस पर है? हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर के बेसिस पर है. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideals in our country. हमारी कंट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में रहने की डिज़ायर रखते हैं, और फेडरलिज्म की स्पिरिट हमारे अंदर है. तो इन सब चीज़ों ने मिलकर हमारी कंट्री को एक आइडियल फेडरल कंट्री बनाया है, राइट? लेट अस लुक एट some of the major ways in which this happened. अब हम कुछ ऐसे ways पढ़ेंगे जिस तरीके से, जिनको पढ़ के हमें पता चलेगा कि इन factors की वजह से इंडिया आज एक successful federal country है. Federal country याद रखना students, हम ये पढ़ने वाले हैं, वो factors पढ़ने वाले हैं जो एक तरीके का power sharing है और successful power sharing है, और उसी की वजह से इंडिया एक federal country है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स. देखो, जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए हैं हमने, तो उस लैंग्वेज के बेसिस पे हर, मतलब कि डाइवर्सिटी हर डाइवर्स प्रॉपर पीपल को या मेजोरिटी को या पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं, हम लोगों ने पावर दी है, हर लैंग्वेज को लिबर्टी दी है, ताकि उनको ये फील हो कि हमारी इंडियन यूनियन, हमारी कंट्री हमारी लैंग्वेज को भी लिबर्टी देती है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, राइट? द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. मतलब कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट टेस्ट था, हमारी बड़ी सी वास्ट कंट्री में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना. लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मींस व्हाट? जैसे आप मैप में देख रहे होंगे, कुछ गुजराती स्पीकिंग पीपल हैं तो उनको एक अलग स्टेट बना दिया गुजरात, राजस्थानी स्पीकिंग पीपल हैं तो उनको राजस्थान बना दिया, मराठी स्पीकिंग पीपल हैं तो उनको महाराष्ट्र बना दिया, कन्नड़ स्पीकिंग पीपल हैं तो कर्नाटक स्टेट दे दिया, तमिल स्पीकिंग पीपल हैं तो तमिलनाडु स्टेट दे दिया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या किया है
कि हमने लैंग्वेज जो पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ होती है उस एरिया में, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड किए थे. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट टेस्ट था ये. ठीक है, इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इट विल बिगिन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of changes. देखो students, जब सबसे पहले India as an independent country बना था, तब India में 29 states नहीं थे. The states are usually emerged or evolved. In 1947, जब India को पहली बार 1947 के बाद as a states देखा गया था, तब इंडिया में 14 स्टेट्स थे ओनली. कितने? 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी. और अभी कितने हैं? अभी 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो ये सब धीरे धीरे बदला है, चेंजेस अडॉप्ट करते गए हैं, उसके बाद में बदला है. ठीक है, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. बहुत सारे पुराने स्टेट्स को ख़त्म करके बहुत सारे नए स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे और हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाए गए हैं. एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. 1947 के बाद आज 2020 चल रहा है, तब से अभी तक एरिया चेंज हुए हैं, स्टेट्स के बाउंड्रीज चेंज हुई हैं, स्टेट्स के नाम चेंज हुए हैं. इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. 1947 में इंडिया के बहुत सारे पुराने स्टेट्स को चेंज करके नए स्टेट्स बनाए थे इंडिपेंडेंस के बाद. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. This is an important point. ये किस लिए किया गया था कि linguistic states क्या होता है students? This is the definition we can say. To ensure that the people who spoke same language, जो लोग same language बोलते हैं वो same state में रहेंगे, right? Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and on geography. कुछ स्टेट्स को क्रिएट किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, लेकिन उनके डिफरेंसेस इन कल्चर, उनकी एथनिसिटी और ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से. तो ऐसे स्टेट्स कौन कौन से जिनको उनके कल्चर की वजह से अलग किया गया था? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, दिस स्टेट्स वर गिवन डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी और द ज्योग्राफी. ठीक है, when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders fears that it would lead to the disintegration of the country. जब ये डिमांड उठी थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को बना देना चाहिए, फॉर्म कर देना चाहिए, तब जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उनको एक तरीके का डर था कि इस तरीके से क्या होगा कि कंट्री हमारी टूट जाएगी. और वो डर जायज़ भी था स्टूडेंट्स. वो क्यों था? क्योंकि जैसे उन्होंने देखा था पार्टीशन के टाइम पे इतना खून खराबा और ये सब चीज़ें हो रही थी, तो वो नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए. तो उनको एक तरीके का डर था कि आज अगर हम लोग अलग अलग स्टेट दे देंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, तो कल को ये स्टेट्स ये डिमांड ना करने लग जाएं कि हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हम लोग एक नया नेशन बना लेते हैं. सो दैट वाज अ फियर ऑफ दैट लीडर्स. ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का जो आइडिया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम तक क्या किया, रेजिस्ट किया, मतलब उसको रोक के रखा. बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड आवर कंट्री मोर यूनाइटेड. लेकिन एक्सपीरियंस मतलब आज 2020 तक जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन चुके हैं, तो आज हम देखेंगे तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनना हमारी कंट्री के लिए अच्छा ही रहा है. हमारी कंट्री ज़्यादा यूनाइटेड हुई है और इट हैज़ ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या स्टूडेंट्स? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स की वर्किंग कैपेसिटी. ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस. तो एडमिनिस्ट्रेशन को ईजियर कर दिया है सेम लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने, राइट? अब वो कैसे, ये समझो. जैसे
हम देखें कि गुजरात में अगर गुजराती पीपल हैं देन इफ़ सम इलिटरेट पीपल गो टू बैंक्स और सम अदर थिंग्स दे कैन स्पीक इन गुजराती राइट, तो वो गुजराती में बात कर सकेंगे, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो काम रहता है वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। अब आप ये सोच के देखो कि इफ़ यू थिंक दैट यू आर लिविंग, यू ओनली नो गुजराती एंड यू आर लिविंग इन बंगाल, सो हाउ विल यू सर्वाइव? सो दिस डाइवर्सिटी कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू एज वेल एज़ फॉर बंगाल और पीपल ऑफ बंगाल टू अंडरस्टैंड यू, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हुआ है लिंग्विस्टिक स्टेट बनने से, ठीक है? तो एक तो हमने ये देखा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस ने डाइवर्सिटीज़ इतनी सारी थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमने हर लैंग्वेज को स्टेट्स दे दिया, तो हमने एक पावर शेयर कर दिया, हर किसी को थोड़ी थोड़ी पावर क्या करी, असाइन कर दी, तो दिस इज़ फेडरलिज्म, दिस शोज फेडरलिज्म ना। Now, next topic from which we can see that federalism, how is being, it is progressed in next way. Language policy. देखो लैंग्वेज पॉलिसी एक नई बनाई हमने इंडिया में, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सम डिफरेंट रिलीजियंस, राइट? सो एक प्रॉपर बेसिस बन जाता है कि हमारी इंडिया में एक लैंग्वेज पॉलिसी हो, कुछ रूल्स हों लैंग्वेज को लेकर, ठीक है? तो वो रूल्स हम अब पढ़ेंगे। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। हमारी लैंग्वेज पॉलिसी कौन सा सेकेंड टेस्ट है इंडिया में फेडरेशन को प्रैक्टिस करने का? और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज का टैग किसी एक लैंग्वेज को नहीं देता, ये स्टेटस किसी भी लैंग्वेज को नहीं, नॉट इवन हिंदी। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है इंडिया की। ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाओगे या वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह फिल करना है तो आपको हिंदी में मिलेंगे जनरली, एदर इन हिंदी एदर इन इंग्लिश, राइट? तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट दर्जा दिया है, स्टेटस दिया है। बट हिंदी इज़ मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। ओनली 40% इंडियंस की मदर टंग हिंदी है इंडिया में। कैन यू बिलीव 60% आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, पीपल हु थिंक दैट देयर मदर टंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, 60% पीपल हु थिंक लाइक दिस। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. तो दूसरी languages को भी respect करके उनको protect करने के लिए बहुत सारे safeguards बनाए हैं, policies बनाई है। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. This is an important point to be read students, कि हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 21 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज नाम दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटस दिया हुआ है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशंस मे ऑप्ट टू मेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन पे कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है और उसको लिबर्टी रहती है कि वो उसी लैंग्वेज में आंसर करें। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिस्पेक्ट गिवन टू डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, राइट? States too have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. हर स्टेट की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है। जैसे हमारी सेंट्रल लैंग्वेज, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी के साथ में ही 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, राइट? वैसे ही हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। अगर आप गुजरात में जाओगे तो आपको वही कुछ गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह हिंदी में भी मिलेंगे, गुजराती में भी मिलेंगे, ठीक है? इफ़ यू वॉन्ट टू टेक ऑप्ट फॉर गुजराती लैंग्वेज देन आपको गुजराती लैंग्वेज में वहाँ पे मिलेगा सब कुछ, पेपर फॉर्म्स एवरीथिंग, एग्ज़ाम पेपर्स। अनलाइक श्रीलंका, मतलब कि जैसा कि श्रीलंका में होता है उसके जैसे नहीं होता हमारी कंट्री में, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। मतलब कि हिंदी का प्रमोशन,
हिंदी का प्रमोशन हमारे जो कंट्री के लीडर्स हैं वो बहुत कॉशियस तरीके से करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो लोग क्या करते थे कि सिन्हाला स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको सीट्स दी जाएंगी, उनको पॉलिटिक्स में इंटर होने दिया जाएगा या उनको गवर्नमेंट पोस्ट अच्छी मिलेंगी, तो उनको रिजर्वेशंस देते थे। लेकिन हिंदी का जो प्रमोशन इंडिया में होता है तो उसके लिए लीडर्स बहुत ज़्यादा कॉशियस है, मतलब प्रमोशन तो करेंगे लेकिन ऐसे नहीं कि किसी पे वो लैंग्वेज थोपना है या अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसको ज़्यादा रिजर्वेशन देना है, उसको ज़्यादा, इस तरीके का एटीट्यूड इंडिया के लीडर्स में नहीं था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। स्टूडेंट इफ़ यू डोंट नो, 1965 में गवर्नमेंट ऑप्टेड हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज़ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए स्टॉप होने वाला था। However, in many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. जबकि बहुत सारे non-Hindi speaking states जो हैं, जो states हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अगर आप देखोगे इंडिया के साउथ साइड में तमिल, कर्नाटक, केरल, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो लोग क्या कर चाहते थे, वो लोग इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू करना चाहते थे। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, और तमिलनाडु में ये मूवमेंट जो था इसने एक वायलेंट फॉर्म ले लिया था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था और इंग्लिश का यूज़ क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रींग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो अब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश का यूज़ भी होता था हिंदी के साथ साथ, राइट। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड, और बहुत सारे क्रिटिक्स किन को बोलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम अगर किसी को तारीफ़ कर रहे हैं किसी की तो उसको अप्रेजल बोलते हैं, वैसे ही अगर कोई किसी के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है तो वो क्रिटिसाइज करना, राइट। और क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड, और बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना यह है कि इस सॉल्यूशन से इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा फेवर मिला है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ने हिंदी का प्रमोशन करना जारी रखा था लेकिन उसके साथ ही साथ इंग्लिश को उनको क्या देना पड़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मानना पड़ा था। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन हिंदी का प्रमोशन इसका जैसे हम लोगों में अगर जागृति फैला रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं कि आप हिंदी का यूज़ कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया तुमको हिंदी बोलनी पड़ेगी वरना तुमको गोली मार दी जाएगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। The flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. और हमारे यहाँ की इसी flexibility की वजह से इंडिया के political leaders ने country को help किया है कि श्रीलंका जैसी situation country हमारी country इंडिया ना face करे, ठीक है। तो हमने दो तरीके से देखा कैसे power sharing किया। फर्स्ट हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे हमने रीजन लेवल पे पावर को शेयर किया है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वालों के लिए लैंग्वेज पॉलिसी निकाली गई जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म क्या है, सक्सेस हुआ है, ठीक है। थर्ड, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस मीन्स व्हाट स्टूडेंट, कि हम अभी देखते हैं हमारे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट बनती है फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट बनती है, तो वो सेंटर और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स के रिलेशंस, उनके रिलेशंस को देखते हुए हम अभी देखेंगे कि फेडरलिज्म कैसे सक्सीड रहा है इंडिया में। Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. मतलब कि federalism को
ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, मतलब उसको ज़्यादा पावर मिल गई है फेडरलिज्म को। और उसका एक नया तरीका, एक और तरीका कौन सा है, सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर मतलब क्या, कि जब सेंटर स्टेट रिलेशंस, व्हेन वी टॉक अबाउट 1947, तो 1947 में क्या था स्टूडेंट्स, कि तब इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस रूल करती थी एज अ सेंट्रल स्टेट, ठीक है। और अलग अलग जो स्टेट्स बने हुए थे वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट अगर स्टेट्स के लिए उठती थी, तो सोचो कि अगर सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस, और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में वहाँ की रीजनल पार्टी अगर आई है, तो उन दोनों के बीच में तब रिलेशंस ठीक नहीं थे। कांग्रेस सोचती थी कि हम सेंट्रल है तो हमारा रूल ज़्यादा रहेगा, तो वो रीजनल लेवल गवर्नमेंट पे थोड़ा सा रूड बिहेव करते थे, उनका एटीट्यूड अलग होता था। तो उसको रीस्ट्रक्चर करना मतलब कि उनको मेंटेन करना, तो ये एक नया तरीका निकला था जिससे फेडरलिज्म हमारे प्रैक्टिस में आया है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अरेंजमेंट्स पावर को शेयर करने के लिए रियलिटी में किस पर डिपेंड करते हैं, कि कैसे रूलिंग पार्टीज और रूलिंग लीडर्स इन अरेंजमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। For a long time, the same party ruled for both the center and in most of the states. बहुत सारे states में बहुत लंबे समय तक same party ने center को और बहुत सारे states को rule किया था. This means that the state governments did not exercise their rights as an autonomous federal units. और इसका मतलब ये था कि state governments exercise नहीं कर पाती थी अपनी powers को, अपने rights को। मतलब कि तब फेडरलिज्म इतना नहीं था, वो फेडरल यूनिट तो मानते थे अपने आप को, एक डिफरेंट स्टेट तो है लेकिन इतनी पावर उनको नहीं होती थी। पावर किसके हाथ में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट्स। मतलब कि जब रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे अलग होती है और सेंट्रल लेवल पे अलग थी, तब सेंट्रल लेवल की पार्टी जो थी वो कोशिश करती थी कि स्टेट की पावर को अंडरमाइन किया जाए। इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज़। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज़ करती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंटर को ज़्यादा पावर रहती है, तो उसका मिसयूज़ करके गलत फ़ायदा उठा के अगर दूसरे स्टेट में उनकी राइवल पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई है, ऐसा समझ लो कि अभी इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, राइट, और अगर कोई स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है, तो बीजेपी फ़ायदा उठाएगी राइवल, मतलब अपनी राइवल पार्टी के ऊपर, कि तुम स्टेट गवर्नमेंट हो तो तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिसयूज़। तो ये उस टाइम पर होता था। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और इसकी वजह से फेडरलिज्म की स्पिरिट, मतलब फेडरलिज्म जो टॉपिक है वो कम होता जा रहा था, मतलब इंडिया में फेडरलिज्म अनसक्सेसफुल होता जा रहा था। लेकिन ये सब चेंज हुआ कब, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद ये चेंज हुआ था। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इस पीरियड में क्या हुआ था 1990s के बाद में, कि बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट स्टेट्स में राइज हुई थी, मतलब बनने लगी थी। रीजनल पार्टी मतलब गुजरात में एक नई रीजनल पार्टी बन गई, एमपी में दूसरी, अपने रीजन की दूसरी पार्टी बन गई। दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। मतलब अब सेंटर स्टेट सेंटर लेवल पे कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई। तब क्या होने लगा था स्टूडेंट्स, जैसे कि ऐसे समझो कि किसी स्टेट को या सेंटर को सत्ता बनाने के लिए 273 सीट्स चाहिए, लेकिन एक गवर्नमेंट को 200 सीट्स मिली है। तो अब वो क्या करेंगे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलके 73 सीट्स, अगर कोई पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है तो वो उनसे लेके अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। तो अब अगर रीजनल पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है तो रीजनल पार्टी की बात भी माननी पड़ेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मींस व्हाट, व्हेन टू पार्टीज मिक्स अप टू रूल टू मेक देयर गवर्नमेंट, दिस इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट।
सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, अगर लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिलती है, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू एन अलायंस विथ मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। मतलब कि मेजर वोट्स के साथ जो नेशनल पार्टीज़ है उनको एक अलायंस लेना पड़ता है रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट लेना पड़ता है और उनके सपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट लेने की वजह से रीजनल पार्टीज़ को भी रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनको भी उनके साथ भी पावर शेयर हो रहा है, राइट। तो दिस इज़ द थर्ड फॉर्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ओके, दिस ट्रेंड वॉज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for central government to dismiss state governments in an arbitrary manner। मतलब कि इस ट्रेंड को किसने सपोर्ट किया था, मेजर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने फेवर किया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर सकें। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in early years after the constitution came into force। इसी तरीके से federal power sharing ज़्यादा effective अब है, कब से, comparison में जब constitution हमारा बना था और उसके early years, starting initial years जो थे, तो उन ईयर्स से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इफेक्टिव फेडरलिज्म हमको आज देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। फेडरलिज्म मींस पावर शेयरिंग। इन पिक्चर्स को समझो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओल्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर ऑफ स्टेट सेंटर के हाथ में थी और स्टेट्स को क्या करना पड़ता था, अपनी अपनी पावर के लिए बैक करना पड़ता था। और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि डिफरेंट रीजनल पार्टी के साथ मेजर पार्टी ने अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, उसकी वजह से अब उनको भी हैप्पी रखना पड़ता है और ख़ुद भी रूल कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड दिस चार्ट एटलीस्ट, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस चार्ट में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस माना गया है, ठीक है। एंड दिस आर सम आर्टिकल्स बाय नोटेड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, and these articles were appeared there, so read these and try to understand and relate it with the topic we have read just now, theek hai। The next topic, decentralization in India, we'll read in the next lecture। Keep studying।